अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वालदैन के हकूक़ के ऊपर कि हमारे दीन इस्लाम में वालदैन को राज़ी रखना कितना ज़रूरी है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह एक ऑडियो में इरशाद फरमाते हैं कि जिससे माँ राज़ी उससे अल्लाह राज़ी, क्योंकि अल्लाह पहले राज़ी होता है फिर माँ राज़ी होती है। अल्लाह राज़ी नहीं है तो माँ कभी राज़ी नहीं हो। तो इनके जाने से पहले एक एक करके सबने पार लगना है। अगर आपके वालदैन जिंदा हैं तो अल्लाह उनको सेहत वाली बेहतरीन ज़िंदगी नसीब फरमाए, लेकिन ये एक ज़िंदगी की हकीकत है कि एक दिन सबने अल्लाह के पास इकट्ठे होना है। तो वालदैन मिल जाए ना, बूढ़े वालदैन मिल जाए तो उनसे राज़ी नामे पर दस्तखत लेना बहुत ज़रूरी है। वो अगर राज़ी हो जाए ना तो उनकी और खिदमत करें ताकि वो मज़ीद राज़ी हो। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि एक ऑडियो में ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि आप अल्लाह के इतने प्यारे जो है वो पैगंबर हैं, महबूब हैं, तो आप इतना रोते क्यों हैं, रात को रोते हैं और ना इतनी इबादत करते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जो अल्लाह ने मेरे ऊपर एहसान किए, जो अपनी रहमत की है, क्या मैं उसका शुक्र भी अदा ना करूँ? यानी कि अगर आपको वालदैन कह दें, इस बात को समझिएगा कि बच्चे हम आपसे राज़ी हैं, तो जब आपको ये सनद मिल जाए कि वालदैन राज़ी हैं तो आपने क्या करना है, मज़ीद खिदमत करनी है। वैसे ही अगर अल्लाह आपको कह दे कि आपकी आकिबत जो है वो क्लियर है, आप जन्नत में जाने वाले हैं, तो जैसे ही आपको ये खबर मिलेगी तो आपने क्या करना है, मज़ीद इबादत करनी है। तो जो इताअत करने वाले होते हैं ना, उनको जब खुशखबरी सुना दी जाती है दुनिया में ही तो वो मज़ीद इबादत करते हैं। इसी तरह से अल्लाह के हवाले से वालदैन की खिदमत करना भी बहुत बड़ी इबादत है। जिसने देखने वाले रब को, यानी कि जो आपको ज़ाहिर पाल रहा है, आपका ख्याल रख रहा है, आपसे मोहब्बत कर रहा है, उसको नहीं माना तो वो बग़ैर देखे अल्लाह को क्या मानेगा? तो वालदैन की खिदमत बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम तरक्की के नाम पर, कामयाबी के नाम पर निकल जाएँ और वालदैन को पूछे ही ना। तो आप उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपके वालदैन आपसे राज़ी ना हो। वेस्ट में और हम में सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो यही है, और इसको हमने इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर करना है कि ये वालदैन जब आपको मिल जाए तो इनके साथ आपने इंसाफ नहीं करना, एहसान करना जैसे उन्होंने आपके साथ किया था। यानी कि हम उनका जितना मर्जी भी खिदमत कर लें, हम उनका हक अदा नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा जो उनका एहसान है हमारे ऊपर कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दी, हमें ये जो दीन दिया है उन्होंने, वालदैन के ज़रिए मिला है ना हमें। तो इसी एक बात को ही पकड़ के ना, बेस बना के अगर आप उनकी खिदमत करना शुरू कर देंगे तो अल्लाह भी आपसे इंशाल्लाह राज़ी हो जाएगा। वही बात के अल्लाह राज़ी होगा तो वालदैन राज़ी होंगे। एक वाकया हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ने अपनी ऑडियो में सुनाया, अपना वाकया सुनाया कि मैं कोशिश करूँगा कि ज़रा जल्दी आपको ना उसका मफहूम मैं आपको बता दूँ कि उन्हीं लड़ाई हो गई दो लोगों की। तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ने उनको बिठाया तो दोनों की सुलह करवाई और कहा कि जिसने नुकसान दिया था उससे कहा कि उससे माफ़ी मांगो, जिसका नुकसान किया था। तो खैर उन्होंने फिर वो सुलह हो गई, तो मतलब गले मिल लिया, माफ़ी हो गई। तो जिसने माफ़ी मांगी ना, और जिसने सुलह की माफ़ी मांग के, वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह को छोड़ ही ना बैठे रहे, रोए जाए। तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ने उसे पूछा कि भाई मैंने तो तुम्हारा मसला हल करा दिया, तुम्हारी सुलह करा दी, तो तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने जो जवाब दिया ना, मैं कहता हूँ कि ऐसा जवाब ना कि अगर आँखें खुल जाए ना लोगों की, और वक्त से पहले अभी वालदैन अगर ज़िंदा हैं तो उनके लिए बहुत, मैं कहता हूँ, एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है वालदैन को राज़ी करने की। और वो जवाब ये था कि वासिफ साहब, अगर मुझे पता होता कि माफ़ी मांगना इतना आसान है तो मेरा बाप मुझसे नाराज़ ना मरता, मैं उसके मरने से पहले उससे माफ़ी मांग लेता। तो बाज़ुकात वो जो रिग्रेट होता है, वो जो पछतावा होता है, वो इतना सख्त होता है कि वो इंसान को तोड़ के रख देता है। यानी कि बज़ाहिर वो वक्ती मामला उसका सेटल हो गया, लेकिन उसको क्या चीज़ समझ आई कि माफ़ी मांगना इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि माफ़ी मांगने वाला तो बड़ा दलेर होता है। इसी तरह से मैं क्लिनिक पे था तो
एक शख्स ने आके ये वाकया सुनाया कि मेरी वालदैन में से जो वालदा थी उसकी उनकी मैंने बहुत खिदमत की, फिर उनका इंतकाल हो गया, लेकिन मेरी वालिद से नहीं बनती थी कई सालों से। तो कहता है कि एक रात मैं सोया तो मेरी ख्वाब में मेरी वालदा आई, बड़ा जो है पुरनूर सा मंज़र था, और मुझे गले लगाया, मेरा माथा चूमा और मुझे हल्के से कहा कि बेटा बाप को राज़ी कर ले, बाकी सब ठीक है। कहता है कि मेरी आँख खुली और मैं गया और मैं अपने वालिद के पैरों में पड़ गया और मैंने उस वक्त तक नहीं उठा जब तक उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया। और कहते हैं कि हमारे मामलात बड़े अच्छे हो गए। तो ये वालदैन है ये अल्लाह की सबसे बड़ी, मैं कहता हूँ ना कि सबसे बड़ी नेमत है। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने वालदैन की फरमाबरदारी नहीं करते ना, तो जो हमारी वालदैन के साथ जो नाफरमानी है उसका बदला हमें हमारी औलाद देगी। और ये बड़ी पक्की बात है और बड़ी रास की बात है। और औलाद में पोते भी आते हैं, हम किसी और दौर की दुआओं की तासीर हैं, इसी तरह से हमारी दुआएं किसी और दौर को जो है वो तासीर देंगी आने वाले लोगों के लिए है। तो हमारे वालदैन राज़ी हैं तो वो सारे की सारा जो फैज़ है और जो तासीर है वो आगे चलेगी और जो पूरा नस्ल दर नस्ल नेकी चलती है वो बरकरार रहेगी। तो हमारे पास तौबा का दरवाज़ा खुला है। अगर तो सुनने वालों में से कोई किसी भी वजह से, वालदैन सख्त भी होते हैं, डांट भी देते हैं, हर बात से आपकी एग्री नहीं करते, लेकिन उनके पास जो टाइटल है ना वालदैन का, वो अल्लाह का दिया हुआ है, वो आपका नसीब है, वो आप बदल नहीं सकते। तो अल्लाह के हवाले से ही उनके साथ अपना ताल्लुक स्ट्रॉन्ग करें। बड़े खुश नसीब है जिनके पास अभी वालदैन हैं जिनकी वो खिदमत कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा उठाएं और अभी से ही अपनी दुनिया और आखिरत अच्छी करने की कोशिशें शुरू कर दें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।